हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा नीम करौली का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। वार्षिक उत्सव में शहर के गणमान्य लोग शामिल होंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सम्राट अशोकनगर स्थित गुप्ता सीमेंट स्टोर पर एक बैठक का आयोजन किया गया। आयोजित बैठक में सभी को उनके कार्य सौंपे गए और सभी से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की गई। श्री बाबा नीम करौली भक्त समिति के सदस्यों ने बताया कि हर वर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दराज से लोग आकर शिरकत करते हैं। इस वर्ष भी बाबा का वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा और कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर बाबा संजीव वकांशी, अनिल कुमार शर्मा, राकेश गुप्ता, अखिलेश शर्मा, अखिलेश मिश्र, नितिन गुप्ता, डॉक्टर संजीव राज, संजीव वाष्णे के साथ और भी लोग बैठक में उपस्थित रहे। क्या कार्यक्रम का आयोजन आज दिनांक को मीटिंग यहाँ रखी गई बाबा नीम करौली भक्त समिति के द्वारा। बाबा नीम करौली का भक्त समिति के द्वारा जो तीसरा प्रोग्राम इस बार तृतीय प्रोग्राम का शुभारंभ होगा 31 जनवरी को रात्रि जागरण होगा और 1 फरवरी को भंडारा होगा। उसी की तैयारियों को लेकर आज उसी विषय में चर्चा की गई, जो तैयारी पूर्ण हो चुकी हैं उसके विषय में सबको चर्चा करी गई है। कोई नया सुझाव, नई कोई बात किसी के मन में आए तो वो बताए। 31 तारीख को जो हमारा जागरण होगा, भव्य जागरण, ये सम्राट अशोकनगर बाबा की कुटिया गुप्ता सीमेंट स्टोर के नज़दीक ही होगा और भंडारा भी यहीं पर उपस्थित तय हुआ। 1 फरवरी को सुंदरकांड का पाठ और पश्चात भंडारा वितरण होगा। इसी के साथ बाबा की रूपरेखा को लेकर चर्चा करी गई है और मैं सभी महानगर वासियों से अपील करता हूँ कि इस बाबा के प्रसाद को ग्रहण करके बाबा का जो भजन कीर्तन हो उसको सुने, उसको बाबा सबको सद्बुद्धि दे, बाबा सबको मनोकामना पूर्ण करें। इस प्रसाद को भी ग्रहण करने सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग आए। नमस्कार सर, आज बैठक का आयोजन किया किसके उद्देश्य से? आज बैठक का जो आयोजन किया क्या बैठ ले रहे हैं क्या? हाँ, ये बाबा नील करौली भक्त समिति की तरफ से प्रत्येक वर्ष होने वाले जागरण एवं भंडारे के आयोजन से पूर्व, जो कि 31 जनवरी को तो जागरण और 1 फरवरी को भंडारा आयोजित है, ये बैठक उस संदर्भ में आयोजित की गई है कि उसमें कोई उसकी बेहतरी के लिए, उसको सफलतम बनाने के लिए कोई सुझाव या प्रस्ताव समिति के सदस्यों की तरफ से अगर कोई हो तो उसको क्रियान्वयन किया जाए। और ये भंडारा बाबा नीम करौली को समर्पित है और उसी के भक्तजनों का ये परिवार है, जो बहुत विशाल नीम करौली परिवार भक्त समिति जो है उससे जुड़े हुए हैं। और इस भारत को उद्देश्य यही है उनके बाबा नीम करौली